नमस्कार टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश गौड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग करेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, इसलिए किसी पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये मिड जून से लेकर लास्ट जून तक होगी, यानी कि कह सकते हैं कि 16 जून से लेकर 30 जून तक होगी। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि आपका पास्ट, जो रिसेंट पास्ट है, जो अभी अभी बीता है, वो कैसा रहा है, और प्रेजेंट एनर्जी 72 आवर्स के लिए कैसी रहने वाली है, और 15 जून से लेकर या 16 जून या 17 जून से लेकर आप 30 जून तक का आपका जो फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, गला ख़राब है, बोला नहीं जा रहा है, थोड़ा सा हिम्मत कर रही हूँ बोलने की, तो कोऑपरेट में प्लीज़। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टॉरस राशि के लिए देखते हैं कि उनका जो रिसेंट पास्ट बीता है, प्रेजेंट करंट एनर्जी और इन द फ्यूचर कैसा रहेगा, और इसका गाइडेंस कैसी रहेगी। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स, तो जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है, तो आप किसी चीज़ को लेकर परेशानी में रहे हैं। हो सकता है कि किसी काम ने, किसी बिजनेस ने, प्रॉपर्टी ने, जॉब ने घेरा है आपको, तो उसको लेकर आप रुके रहे हैं, खड़े रहे हैं। या फिर हो सकता है कि प्यार में किसी ने आपको धोखा दिया है, तो उसको बचाने के लिए आपको लगा है कि अगर आप खड़े रहेंगे, अडिग रहेंगे, सोच तो आपको सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, लाइफ में खुशियां आ सकती हैं। तो आपने अपना स्टैंड लेने की कोशिश की है। अगर आप रुके रहे हैं, ठहरे रहे हैं, और चाहे उसके लिए आपको वाद विवाद करना पड़ा, थोड़ा झगड़ा करना पड़ा, अपनों के खिलाफ जाना पड़ा, लेकिन अगर आपने एक्शन लिया है, जो खड़े रहे हैं, स्टैंड लिया है, तो आपका पास्ट अच्छा रहा है, ठीक रहा है। लेकिन उसमें आपको काफ़ी स्ट्रगल की, आपने स्ट्रगल किया है, इसमें स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी आपकी ख़त्म हो चुकी थी, जो चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी थी, जो लाइफ में नहीं बची थी, चाहे वो प्यार भी हो सकता है, वो जॉब करियर बिजनेस हो सकता है, या मनी से रिलेटेड, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पास्ट में आप आई हैं, काफ़ी परेशानियों से, दुविधाओं से आप गुजरे हैं, लेकिन आपने सोच लिया, ठान लिया कि अगर आप रुके रहे, खड़े रहे, मेहनत करते रहे, चाहे आपको अपने लिए या दूसरों के लिए, अपने लिए या अपनों के लिए स्टैंड अगर लेना पड़ा, तो आपको उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, और आपको आपने उसमें मेहनत की है, कोशिश की है, स्टैंड लिया है, क्योंकि और शायद आप उस उन चीज़ों को मेहनत करने के बावजूद आपको वो उसका रिजल्ट भी मिला है, आपके हक में मिला है। काफ़ी बाधाओं, परेशानियों के बाद, काफ़ी दिक्कतों के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद, स्टैंड लेने के बाद आप अपनी पोजीशन पर दोबारा से शायद या तो लौटने की तरफ हैं या लौट चुके हैं। तो आपका पास्ट कुछ कुल मिलाकर काफ़ी मेहनत वाला रहा है, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करते आप इसमें दिखाई दे रहे हैं, आप इसमें स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो आपके हाथ से चली गई थी, जो परेशानियां, जो बाधाएं, जो दिक्कतें आपकी लाइफ में आई हैं, उनके लिए आपने काफ़ी संघर्ष किया है, और वो चीज़ें आपको शायद उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव भी मिला है, काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद। टू ऑफ वॉन्ट्स, तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, टू ऑफ वॉन्ट्स प्रेजेंट एनर्जी आपकी बता रही कि आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन होते हुए भी आप रुकना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, जो पास्ट में जो आपने मेहनत की है, जो आपने स्टैंड लिया है अपने लिए या अपनों के लिए, चाहे दूसरों के साथ आपने झगड़ा किया, चाहे उनके खिलाफ गया, जो भी कुछ किया, लेकिन पैसनोएट होकर जुनून के साथ जो आपने हिम्मत दिखाई है, जो करेज दिखाया है, जो साहस दिखाया है, तो उसका रिजल्ट, उसका वेट आप करना चाहते हैं। आपके पास लाइफ में और भी ऑप्शन है, लेकिन आप उसी ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं कि कब चीज़ें पहले की तरह पॉजिटिव होंगी, कब वो समय आएगा,
और चीज़ें पहले जैसी होंगी, नेम और फेम मिलेगा, करियर, बिजनेस, जॉब, पैसा या रिलेशनशिप या प्यार में जो भी आपको धोखा मिला था, जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं रही थी, जो जा चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, तो स्टैंड लेने के बाद आप उसका वेट कर रहे हैं बेसब्री से, आप उसको सोच रहे हैं कि कब वो सही समय, उचित समय आएगा जब चीज़ें पहले जैसी होंगी, फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी। तो जो प्रेजेंट आपकी करंट की एनर्जी है वो अच्छी दिखाई दे रही है, आपके फेवर में दिखाई दे रही है। अगर आप वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे सही समय, सही वक्त आने का, तो इसमें हर चीज़ पॉजिटिव होती नज़र आ रही है। तो घर बसना, घर बनना, या प्यार से रिलेटेड, या जॉब से रिलेटेड, या करियर से रिलेटेड, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है, चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी, थोड़ा सा समय वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में जरूर होंगी। द स्टार, तो इसमें नियरेस्ट फ्यूचर जो आपका 16 या 17 जून से लेकर 30 जून के लिए है, तो पास्ट में जो आप सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना कोई रिलेशन बचा है, ना पैसा बचा है, ना जॉब, ना करियर, ना बिजनेस, मतलब जो भी चीज़ में आपने हाथ डाला, कुछ ना कुछ घाटा होता गया, आपके पास लाइफ में कुछ भी नहीं बचा था। आप काफ़ी परेशान, काफ़ी निराश, काफ़ी हताश हो चुके हैं। तो फ्यूचर में जाकर आपको मेडिटेशन करनी है, हीलिंग करनी है, प्रेयर करनी है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तभी तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। तो आपको उन सब चीज़ों को पाने के लिए मेहनत करनी है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी है, और अगर आप उसमें बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो आपका फ्यूचर धीरे धीरे करके खुशियों में तब्दील होगा, स्टारिंग होगा, और सितारे भी आपका उसमें साथ देंगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप परेशानियों से जूझ सकते हैं। जो पास्ट में आप ख़त्म कर चुके हैं, जो आप एक आपने बिगनिंग शुरुआत की है, जिसका आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इन द फ्यूचर आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस लेकर, किनारा दूरियां बनाकर, या थोड़ा सा अपने आप को समय देकर आपको एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी है, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा रह सके। और अगर आप एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। जो सारी चीज़ें पास्ट में ख़त्म हो गई थी, जिसका आप प्रेजेंट में इंतज़ार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको दोबारा से मिल सकती हैं। सितारे भी आपका साथ देंगे अगर आप मेहनत करेंगे, और हीलिंग मेडिटेशन के बाद, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बाद, अगर आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, तो यूनिवर्स ही आपका साथ देंगे, सितारे आपका साथ देंगे, आप पहले वाला सब कुछ ग्रोथ कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, लेकिन और गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। तो आपको मेहनत करनी है, फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा, कामयाब होगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। तो गाइडेंस क्या है, क्वीन ऑफ कप्स, तो आपको सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना है, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, तो खुद के लिए स्टैंड लेना है, अपने पैरों पर खड़े होना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। आप दूसरों के पचड़ों में मत पड़िए। अगर कोई बात, कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी के बारे में कुछ भी जानते हैं, चाहे वो पैसे से संबंधित है, या प्रॉपर्टी से संबंधित है, या प्यार से संबंधित है, या किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, तो आप वो अपने तक सीमित रखिए। मौन रहिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, उन चीज़ों को का ढिंडोरा मत पीटिए जो आप जानते हैं, जो कोई सीक्रेट्स, कोई राज, कोई रहस्य अगर आप जानते हैं, तो उन पचड़ों में ना पढ़कर आप अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, अपने लुक्स, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दीजिए, तो आप का जो लाइफ है वो अच्छी जाएगी। और आप दूसरों के पचड़े में मत पड़िए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, अपने लुक्स, अपनी ब्यूटी, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, उन सब पर ध्यान दीजिए। जब तक सही समय नहीं आता, सही वक्त नहीं आ जाता, किसी को कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बोलना है, चुप रहना है, खामोश रहना है, और अपनी चीज़ों पर ध्यान देकर अपने ऊपर फोकस करना है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। तो
तो अगर आपको मेरी रीडिंग सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।